सब्सक्राइब कीजिए ब्रिस स्पेशल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वृषभ राशि वालों का आने वाला 7 दिन यानी कि 10 सितंबर 2020 से 16 सितंबर 2020 तक का समय कैसा बीतेगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले 7 दिनों का अनोखा टोटका है, अचूक उपाय है, जिस उपाय को अगर आप आजमाते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, ब्रिस स्पेशल को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो के नीचे हर हर महादेव कमेंट कर दें और इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने। मित्रों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके स्वास्थ्य के बारे में कि आने वाले दिनों के दौरान आपका स्वास्थ्य आपका साथ देगा या नहीं देगा। दोस्तों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से थोड़ा सा नीचे है। आने वाले समय के दौरान जिस काम को करने से आपको खुशी मिले, जिस काम को करने से आपको मानसिक शांति मिले, आप वही काम करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके स्वास्थ्य के मामलों में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य रहेगा, न ज्यादा बेहतर न ज्यादा खराब। दोस्तों, आने वाले दिनों के दौरान अगर आपका जीवन साथी आपसे कोई उम्मीद करता हो या उम्मीद करती हो तो उनके उम्मीद को आप पूरा करने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन सामान्य रहने के बावजूद बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आप में से जो भी लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आने वाले दिनों के दौरान आपके बॉस या आपके सीनियर के द्वारा आपको जो भी काम, जो भी टास्क दिया जाए तो उस काम को मेहनत, ईमानदारी और एकाग्रता के साथ आपको पूरा करना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों के दौरान अगर अपने नौकरी में आप लापरवाही करते हैं तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद है आपका घर परिवार। दोस्तों, घर परिवार के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य तौर पे सही रहेगा। आने वाले दिनों के दौरान अगर आपके घर परिवार में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या रहता है तो उस परेशानी को खत्म करने में, उस समस्या का समाधान निकालने में आपके घर परिवार के सभी लोग एकजुट रहेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, और इस वजह से आने वाले समय के दौरान आपके घर परिवार के मामलों में आपको कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आने वाले दिनों के दौरान आपको अपने फिजूल खर्ची पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर अपने फिजूल खर्ची पे आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो आने वाले समय के दौरान धन संपत्ति के मामलों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
दोस्तों आप में से जो भी जातक, जो भी दर्शक विद्यार्थी हैं, तो आने वाले समय के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में आपको समय के दुरुपयोग से बचना होगा, क्योंकि आने वाले समय के दौरान अगर आप अपने समय को बर्बाद करते हैं तो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान किस उपाय को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा। दोस्तों उपाय बहुत ही ज्यादा सामान्य है। आने वाले दिनों के दौरान आप डेली स्नान ध्यान करने के बाद कम से कम एक माला यानी कि 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो के नीचे ओम नमः शिवाय कमेंट कर दें और इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आने वाले 15-20 सेकेंड को आप बड़े ही ध्यान से सुने। दोस्तों अगर आप मुझसे अपने जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या अपने हस्तरेखा के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाले समय के दौरान क्या क्या परिवर्तन होगा, आने वाले समय के दौरान आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर नोट करवाता हूँ। उस नंबर को आप नोट करें और इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें। वो नंबर है 8969514362। इस नंबर को आप दोबारा मिला लें, 8969514362। इस नंबर पे अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हो तो मैं आपकी सहायता करूँगा, लेकिन सहायता करने के बदले आपको दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे देने पड़ेंगे और उस पैसे को जमा करने के बाद ही मैं आपकी सहायता करूंगा। तो इन बातों को आप दोबारा सुने और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे से संपर्क करें ताकि मैं आपके फ्यूचर के बारे में, आपके भविष्य के बारे में आपको सारी बातें, सारी जानकारी बता सकूं। धन्यवाद।